आज की हमारी स्टोरी लकी नंबर 11 कहानी है एक इनोसेंट लड़के की जो गलती से दो माफिया बॉसेस के बीच में चल रही गैंग वॉर का हिस्सा बन जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की जो इस माफिया की लड़ाई में ये चूज नहीं कर पा रहा है कि वो किस साइड से लड़ेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ और देखते हैं कि ये वॉर कैसे खत्म होगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी फिर से रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करके ही स्टोरी में आगे बढ़िएगा। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ बुकीज को कोई अननोन आदमी मार डालता है और उन्हें मार के उनके गैम्बलिंग के रिकॉर्ड चुरा लेता है। इसके ठीक बाद एक खाली बस स्टॉप पे स्मिथ नाम का एक आदमी निक नाम के एक लड़के के पास आके बैठता है और उसे 20 साल पुरानी कैंसस सिटी शफल की कहानी सुनाने लगता है। स्मिथ कहता है कि 20 साल पहले घोड़ों की रेस पे गैम्बलिंग हुआ करती थी और घोड़े को जिताने के लिए कुछ लोग उन्हें इंजेक्शन भी दिया करते थे। एक दिन एक प्रोस्टिट्यूट को पता चलता है कि कल की रेस में कौन सा ड्रग किया हुआ घोड़ा जीतने वाला है और वो ये न्यूज अपने एक अमीर कस्टमर को दे देती है और उस आदमी की बातों से एक वेटर को भी उस रेस के बारे में पता चल जाता है। वो वेटर पूरी श्योरिटी के साथ अपने नेफ्यू मैक्स को उस घोड़े पे पैसे लगाने को कहता है। मैक्स कोई गैम्बलर नहीं बल्कि एक शरीफ फैमिली मैन होता है, पर अपने बेटे हेनरी के कॉलेज और अच्छे फ्यूचर के लिए उधार लेके उस घोड़े पे $22,000 लगा देता है। पर रेस के टाइम पे ड्रग ओवरडोज से वो घोड़ा ट्रैक पे ही मर जाता है। अब मैक्स के ऊपर $22,000 का लोन होता है जो पैसे उसने रॉस नाम के बुकी को देने के लिए कुछ गैंगस्टर से लोन लिए थे और रेस के फौरन बाद कुछ गैंगस्टर्स आके मैक्स के बेटे हेनरी को किडनैप कर लेते हैं और मैक्स को भी अपने साथ ले जाके टॉर्चर करते हैं। गैम्बलिंग की न्यूज दोबारा कोई लीक करने का ना सोच सके इसीलिए वो लोग उस बुकी रॉथ और मैक्स को टॉर्चर करके मार डालते हैं और साथ ही मैक्स की वाइफ और उसके 6 साल के बेटे हेनरी को भी खत्म करवा देते हैं। स्मिथ की ये कहानी वो निक नाम का लड़का बड़े ध्यान से सुन रहा होता है, पर तभी वो गायब हो जाता है और पीछे से आके निक की गर्दन तोड़ के उसे मार डालता है, जिसके बाद वो उसी डेड बॉडी को एक ट्रक में लोड करता है और उस ट्रक को ड्राइव करके न्यूयॉर्क सिटी ले जाता है। सेम टाइम पे न्यूयॉर्क में स्लेविन नाम का एक लड़का शेव कर रहा होता है जब उसकी डोर बेल बजती है। डोर ओपन होते ही लिंसी नाम की एक लड़की अंदर आती है और पूछती है कि वो कौन है और निक के अपार्टमेंट में क्या कर रहा है, जिस पे स्लेविन कहता है कि वो निक का स्कूल फ्रेंड है और कल रात को ही उससे मिलने न्यूयॉर्क आया है, पर कल से निक अपना फोन पिक नहीं कर रहा और अब तक उससे मिलने भी नहीं आया है। उसकी नाक पे चोट के निशान होते हैं और स्लेविन लिंसी को बताता है कि सुबह एक चोर ने उसे पंच करके उसका वॉलेट चुरा लिया है। लिंसी उससे खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वहां से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद दो गैंगस्टर्स निक को ढूंढते हुए वहां घुस आते हैं और स्लेविन को अपने साथ चलने को कहते हैं। वो कहता है कि उसका नाम निक नहीं है, पर वॉलेट चोरी हो जाने की वजह से उसके पास कोई आईडी भी नहीं होती और वो स्लेविन को पंच करके जबरदस्ती अपने बॉस के पास ले जाते हैं। स्लेविन को एक टॉवर में ले जाया जाता है जिसके अंदर और बाहर हर जगह आर्म्ड ब्लैक गैंगस्टर्स होते हैं और लिफ्ट से ऊपर जाके स्लेविन उस टॉवर के मालिक और सभी ब्लैक गैंग्स के लीडर बॉस से मिलता है। बॉस भी उसे निक ही समझता है और उससे कहता है कि उसके ऊपर उनका $90,000 का जुए का कर्जा है और उससे अपने पैसों की डिमांड करता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये कर्जा शायद निक का होगा और उसने कभी कोई जुआ नहीं खेला है, पर बॉस और उसके आदमी स्लेविन की कोई बात नहीं सुनते। वो उसे अपना कर्जा माफ कराने का एक ऑप्शन देता है और उसे ज्यूइश माफिया बॉस और अपने सबसे बड़े दुश्मन रैबाई के गे बेटे फेरी को मारने का काम देता है, क्योंकि रैबाई ने कुछ दिनों पहले उसके बेटे को शूट करके मरवा दिया था और बॉस उसे भी वही सेम पेन फील करवाना चाहता है। स्लेविन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसलिए वो इस काम के लिए मान जाता है और उसके वहां से जाते ही हम स्मिथ को बॉस के साथ देखते हैं जो कहता है कि इस काम के लिए उन्हें इस लड़के की बेहद जरूरत है। स्लेविन जब बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है तब कुछ अंडरकवर पुलिस वालों की उस पर नजर पड़ती है और वो अपने सुपरवाइजर ऑफिसर ब्रीको को इस नए लड़के के बारे में बताते हैं। स्लेविन वापस घर आता है और निक अभी भी गायब होता है। तभी लिंसी फिर से वहां आती है और उसका लैंडलाइन रिंग होता है, पर फोन पिक करते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। लिंसी उस नंबर पे कॉल करती है और उससे पता चलता है कि किसी बड़े होटल का नंबर है और वो
स्लेविन को उस होटल में चल के उस कॉलर का पता करने को कहती है, जिससे शायद उन्हें निक के बारे में कुछ पता चल सके। पर स्लेविन ऑलरेडी बॉस के थ्रेट से स्ट्रेस में होता है और लिंजी भी अपनी शिफ्ट करने हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ देर के बाद फिर से डोर बेल रिंग होती है और निक को लेने दो ज्यूइश गैंगस्टर आए होते हैं। रेजिस्ट करने पर स्लेविन को पेट में पंच खाना पड़ता है और वो दोनों उसे कार में लेके ज्यूइश माफिया बॉस और अपने लीडर रैबाई के पास ले जाते हैं। स्लेविन नोटिस करता है कि उसे फिर से उसी बिल्डिंग की तरफ ले जाया जा रहा है और रैबाई के आदमी बताते हैं कि बॉस और रैबाई दोनों एक दूसरे के ठीक सामने ही रहते हैं। ये दोनों कुछ सालों पहले दोस्त हुआ करते थे, पर एक लड़ाई के बाद आज ये एक दूसरे के दुश्मन हैं और पूरी प्रोटेक्शन के साथ अपने टावर्स के अंदर ही रहते हैं और एक दूसरे के डर से बाहर आना अवॉइड करते हैं। ठीक बॉस की ही तरह रैबाई के टावर के अंदर भी गन्स और एम्यूनिशन वाली हैवी सिक्योरिटी होती है और ठीक बॉस की ही तरह रैबाई भी उसे निक समझता है और कहता है कि उसके ऊपर उनके $33,000 का गैम्बलिंग का कर्जा है, जिसे उतारने के लिए उसके पास केवल 2 दिन है, वरना रैबाई के लोग उसे मार डालेंगे। स्लेविन को जब रैबाई के आदमी बाहर ले जा रहे होते हैं, तब वहाँ वही सेम आदमी स्मिथ आ जाता है और रैबाई से कहता है कि अपने आदमियों से कह के इस लड़के पे नजर रखे। दरअसल ये स्मिथ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर और क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है, जो बड़ी ही चालाकी से दोनों माफिया बॉसेस से पैसे अर्न कर रहा होता है। स्मिथ ने बॉस से रैबाई के बेटे फेरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है और इस काम के लिए उसे स्लेविन की जरूरत होती है, ताकि जब स्लेविन फेरी से मिले तो स्मिथ सेम टाइम पे दोनों लड़कों को मार के ऐसा दिखा दे कि दो गे लड़कों ने खुद को शूट कर लिया। और साथ ही स्मिथ ने रैबाई को भी बता दिया होता है कि उसके बेटे की जान को बॉस से खतरा है और वो रैबाई से बॉस को मारने के लिए भी एक मोटी रकम ले रहा होता है। स्लेविन इस सब से अनजान अपनी जान बचाने के लिए बॉस की बात मान के रैबाई के बेटे को शूट करने के लिए मान जाता है और लिंजी के साथ डिनर पे जाता है, जहां रैबाई का बेटा फेरी भी डिनर पे आया होता है। स्लेविन फेरी के पीछे पीछे मेंस वॉशरूम में जाता है और ये एक्ट करके उसके साथ अगली रात के लिए एक डेट फिक्स कर लेता है। तभी वहां पुलिस सुपरवाइजर ब्रीको आ जाता है, जिसे सर्विलेंस पे लगे पुलिस वालों ने बताया होता है कि ये लड़का रैबाई और बॉस दोनों के टॉवर्स में से आते जाते देखा गया है और ब्रीको को लगता है कि उसका जरूर इस गैंग वॉर से कोई कनेक्शन है, पर स्लेविन उसे इग्नोर करता है। ब्रीको स्लेविन को अपनी सर्विलेंस वैन में जबरदस्ती बिठा लेता है और उससे उसके पास और बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये लड़का निक नहीं है। और तब स्लेविन उसे अपना असली नाम बता देता है, जिसपे ब्रीको उसे जाने देता है। स्लेविन फेरी से मिलने रात को उसके होटल रूम में जाता है और उसे शूट कर देता है। और तभी पीछे से स्मिथ भी आ जाता है, पर सरप्राइजिंगली वो स्लेविन को कुछ नहीं कहता और फेरी को एक और बार शूट करके खत्म कर देता है। और अब इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि स्मिथ और स्लेविन शुरू से ही साथ में काम कर रहे थे। स्लेविन बाहर जाके एक वैन में से निक की डेड बॉडी निकाल के लाता है, जिसे स्मिथ ने बस स्टॉप पे मारा था। और तब तक स्मिथ फेरी के इजरायली बॉडीगार्ड्स को शूट करके मारता है। इसके बाद वो निक की बॉडी को स्लेविन की वॉच पहना देते हैं और फेरी की डेड बॉडी को उसके साथ रख के उस होटल रूम में ब्लास्ट कर देते हैं, ताकि सबको लगे कि फेरी के साथ निक नाम का कोई आदमी मारा गया है। इसके बाद स्मिथ बॉस के टॉवर में जाके उसके सभी बॉडीगार्ड्स को मार देता है और रैबाई के उन आदमियों को भी मार देता है जो स्लेविन पे नजर रख रहे थे। और स्लेविन रैबाई के टॉवर में जाके उसे किडनैप कर लेता है। दोनों मॉब बॉसेस को जब होश आता है, तब वो एक दूसरे के साथ चेयर से बंधे होते हैं और स्लेविन उनके सामने खड़ा होता है। दोनों स्लेविन को देख के बेहद कंफ्यूज होते हैं और तब स्लेविन उन्हें रिवील करता है कि ये कहानी उन दोनों के बीच गैंग वॉर की नहीं, बल्कि उसके रिवेंज की है। और वो उन्हें कैंसर सिटी शफल की स्टोरी सुनाता है और बताता है कि आज से 20 साल पहले अपनी जवानी के दिनों में एक मैक्स नाम के आदमी को तुम दोनों ने मार दिया था और वो उसी मैक्स का बेटा हेनरी है। ये सुन के उन दोनों को यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि मैक्स की पूरी फैमिली तो खत्म हो गई थी, पर तब हमें पता चलता है कि हेनरी को मारने का काम स्मिथ को मिला था, पर एक 6 साल के बच्चे को मारना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। और आज
स्मिथ की मदद से ही वो उन तक पहुंचा है। वो कहता है कि ये सब एक बेहद बड़े प्लान का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत हुई जब स्मिथ और उसने मिलके रैबाई और बॉस के दोनों बुकीज का मर्डर करके उनकी अकाउंट्स की बुक चुराई, जिसके बाद उन्हें निक नाम के लड़की का एक यूनिक नाम मिल गया, जिसने उन दोनों के बुकीज से गैम्बलिंग के लिए पैसे उधार लिए थे। अब निक को मार के उन्होंने उसकी पहचान चुरा ली और हेनरी ने बॉस के बेटे को स्नाइपर शॉट से निशाना बना के मार डाला, ताकि सबको लगे कि ये उसके और रैबाई के बीच चल रही गैंग वॉर का रिजल्ट है। अपने बेटे का बदला लेने के लिए जब बॉस ने स्मिथ को रैबाई के बेटे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तब स्मिथ ने बस एक कंडीशन रखी थी कि उसे निक नाम का वो लड़का भी चाहिए, और सेम कंडीशन उसने बॉस को मारने के लिए रैबाई के आगे भी रखी। और क्योंकि निक का नाम उन दोनों के ही बुकीज की बुक्स में था, इसीलिए उन्हें इस नए लड़के पे कोई शक भी नहीं हुआ। अब उसने उन दोनों के बेटों को मार दिया है ताकि वो दोनों भी वही फील कर सकें जो उसके फादर मैक्स ने फील किया होगा जब उससे पता चला होगा कि उसकी वाइफ और हेनरी मारे गए हैं। इसके बाद वो उन दोनों के मुंह को प्लास्टिक से कवर करके उन्हें चोक करके मार देता है, ठीक वैसे ही जैसे इन दोनों ने उसके फादर को मारा था। इन सब मर्डर्स के बीच में ऑफिसर ब्रिको का बॉस उसे बताता है कि एक रिटायर्ड पुलिस वाले ने उसके खींचे हुए एक स्लेविन नाम के लड़के की फोटो को पहचान लिया है। वो कहता है कि इस लड़के को तो कोई नहीं जानता, पर आज से 20 साल पहले स्लेविन नाम के एक रेसिंग घोड़े के ट्रैक पर मर जाने के बाद उस घोड़े पर लगाई हुई बेट से रिलेटेड सभी लोगों का मर्डर कर दिया गया था। और ये सुन के ब्रिको डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि सालों पहले ब्रिको भी जुआ खेला करता था और हारने और माफिया का कर्जा उतारने के लिए उसने एक लेडी को शूट करके मारा होता है, और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि मैक्स की वाइफ और हेनरी की माँ थी। और ठीक तभी हेनरी उसके पीछे से निकलता है जो उसकी कार की बैक सीट में छुपा हुआ था, और वो ऑफिसर ब्रिको को मार के अपने पेरेंट्स का बदला पूरा करता है। लिंसी और हेनरी लास्ट कुछ दिनों में बेहद क्लोज आ गए होते हैं, पर लिंसी कभी निक नाम के अपने पड़ोसी को ढूंढना बंद नहीं करती और उस होटल में भी चली जाती है जहां से उन्हें फोन आया था, और उसने इन्वेस्टिगेट करते हुए स्मिथ की एक फोटो भी खींच ली होती है। स्मिथ हेनरी से कहता है कि किसी भी हालत में हमारी पहचान पब्लिक नहीं हो सकती, और इसीलिए उसे इस लड़की को मारना पड़ेगा, और वो लिंसी को शूट करके मार डालता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि हेनरी एक बस स्टॉप पे अपनी बस का वेट कर रहा होता है, और तभी हमें उसके साथ लिंसी भी जिंदा दिखाई देती है, क्योंकि उसे सचमुच लिंसी से प्यार हो गया था, इसलिए उसने लिंसी को अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी थी। साथ ही उसने लिंसी को वॉर्न भी कर दिया होता है कि स्मिथ उसे प्रोफेशनल शूटर की तरह चेस में शूट करेगा, और लिंसी एक बुलेट प्रूफ वेस्ट और फेक ब्लड सैंपल का नाटक करके रियल में मर जाने का प्रिटेंड करती है। तभी स्मिथ भी उस बस स्टॉप पे आ जाता है, और हेनरी उससे कहता है कि वो सचमुच इस लड़की से प्यार करता है, और उसे नहीं लगा था कि स्मिथ कभी समझेगा, पर स्मिथ कहता है कि उसने हेनरी को पाल के बड़ा किया है और वो सब समझता है, और वो लिंसी को बिना हार्म करे उसे अपने फादर मैक्स की रिस्ट वॉच देके वहां से चला जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि 20 साल पहले जवान स्मिथ नन्हे हेनरी की जान बख्शने के बाद उसे कार में बिठा के अपने साथ ले जा रहा होता है, और गाड़ी के रेडियो पे एक गाना बज रहा होता है, कैंसस सिटी शफल। ऐसी ही एक और क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।